हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए कच्चे चावल का बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको चावल को भिगोने का भी झंझट नहीं है, तो टाइम की बचत है। जब भी आपका मन करे आप कच्चे चावल निकाल कर इस रेसिपी को बना सकते हैं। वैसे तो आपने कच्चे चावल के बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे, लेकिन आज जो शेयर करने वाले हैं इसे खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ कम तेल का भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है कच्चा चावल, जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से 3 से 4 बार पोंछ लिया, ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। वेट नहीं, मुश्किल से हमारा 50 ग्राम चावल है। नाप में एक कटोरी आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। बस बर्तन आपका थोड़ा सा भारी होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब ना इसमें हम घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर अपने चावल को ट्रांसफर कर देंगे और चावल को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और जल्दी से कलर आ जाएगा, यानी ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो हम जब इसको अच्छे से फुलाएंगे तभी बहुत ही अच्छा सा सोनापन और टेस्ट दोनों आएगा। यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने चावल को अच्छे से भून लिया है, चावल में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल भी काला नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे चावल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, हम इसे छुपा रहे हैं। जब तक चावल ठंडा ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि जार में बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सुखा कर जार को लेना है और सबसे छोटा वाला ही लेना है। अब इसके अंदर हम चावल को फटाफट ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे हम चावल को ट्रांसफर करने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ही नमक डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे, ना ही मसाले डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है हमको। इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाना है। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है और पीसने के बाद इस तरीके से ये दरदरा बन जाता है। आप इस आटे को पूरे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, तो आपको मार्केट से चावल के आटे लाने की कोई भी झंझट नहीं है। आप इस तरीके से बनाकर इसे स्टोर कर लीजिए, आप इससे पकौड़ी कुछ भी बनाएंगे क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, बस इतना ऑयल काफी है। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, यानी 1/2 चम्मच डालेंगे धुली हुई उड़द। अगर आपके पास धुली वाली ना हो तो आप छिलके वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे चने की दाल। दोनों हमने पोंछ के लिया है, इसको भिगोया नहीं था, और कच्चा ही हम इसको 10 से 15 सेकेंड अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इस तरीके से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, ये देखिए, और 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग। हींग हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चुटकी काफ़ी है। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से वापस से कुक कर लेंगे, ये देखिए। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आपको बताते हैं। एक बिल्कुल मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और यहाँ पे हम 2 चम्मच गाजर डालेंगे जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, जिससे हमारे नाश्ते का बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से 10 से 15 सेकंड कुक कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ी गिलास पानी, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 गिलास डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून तक नमक डालूंगी और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ 1/2 टीस्पून तक। और अब इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे, हल्दी या गरम मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से अब इसको हमें 1 उबाल आने का वेट करना है, और जब तक 1 उबाल नहीं आएगा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है, तब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, हाई फ्लेम पे इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चावल वाला पाउडर था इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना है। और इस तरीके से डालकर अच्छे से मिलाते जाइए ताकि गुठलियाँ ना पड़े, इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, और एक साथ हमें आटा नहीं डालना है। तो देखिए थोड़ा डालने के बाद मिक्स किया था, फिर डाला, फिर मिक्स किया, फिर डाला।
और अब इसको हमें इतना पकाना है कि ये गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक कटोरी हमारे चावल था तो एक बड़ी गिलास पानी गया है, अगर आपकी कटोरी से नापेंगे तो दो कटोरी पानी इसके अंदर चला जाएगा। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसके बाद ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से कुक हो जाएगा, और फिर इसको हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट तक हमने इसको पका लिया, अब इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको चेक करना है, थोड़ा सा मिश्रण लीजिए और इस तरीके से इसको हथेलियों के बीच में गोल कीजिए। अगर इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ा, ये स्मूथ तरीके से गोल हो रहा है, तो समझ जाइए आपका जो आटा है बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने किया है, बिल्कुल भी क्रैक नजर नहीं आ रहा, यानी आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। अब इसको हम निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे, गर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे, डंठल को हमने नहीं निकाला है। और फिर इसके बाद हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेबी टमाटर लिए हैं, अगर आपके बड़े हैं तो आप इसमें 1 डालना। और यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली जिसको हम इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ। तो ये गई हमारी 4 से 5 लहसुन की कलियाँ जिसको हमने छिलके के साथ डाला है। छिलके में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो छिलका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली, 1 चम्मच मूंगफली को हल्का सा तावे में भून लिया है, इसको हम डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मूंगफली ना हो तो आप इसकी जगह पे भुने हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें क्या डालेंगे आपको बताते हैं, हल्का सा जाएगा नमक। तो ये गया हमारा 1 चुटकी नमक, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला 1 चुटकी तक, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, कितना डालना है अभी आपको बताते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। और इस चटनी में मैं कोई भी तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसे ऐसे इंजॉय करूँगी। आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो जो इसकी थिकनेस है वो आपको थोड़ा सा थिक ही रखनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी बेहतरीन चटनी रेडी हो चुकी है। इसमें जो मूंगफली है उससे अलग ही टेस्ट आता है, और इसको मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, देख सकते हैं आप लोग करीब से। और इस चटनी के साथ आप कोई भी रेसिपी सर्व करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। ये देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मथ लेंगे, हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि चावल के आटे में थोड़ा सा बिखरावपन होता है। और ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल रहे हैं तो आप अपने हाथों को पानी में डाल के हल्का सा इसको गीला करके इस तरह से मसल कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा गरम गरम होगा तभी मसलेंगे, तभी ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अपने हाथों पर, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं ताकि ये चिपके ना। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेंगे, और आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही यूनिक शेप में बनाऊंगी और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन डालूंगी। वो कैसे डालूंगी जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए इस तरीके से पहले हम इसको सिलेंडर का शेप दे देंगे, और फिर हम इसको इस तरह से अच्छे से गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको शेप दिया है, और अब इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। पे डिज़ाइन डालने के लिए हम लेंगे नाइफ, और नाइफ का जो ये पीछे वाला भाग होता है जिसमें धार नहीं होती उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसको हम इस तरीके से केचप में डुबो लेंगे। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इस तरीके से हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगाएंगे, ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और लुक भी आएगा। ये देखिए आप चाहे तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने कितनी सुंदर सी डिज़ाइन डाल दी है। चलिए आपको एक बार और बता देते हैं कैसे डिज़ाइन डालनी है। इस तरीके से मिश्रण को लेने के बाद आपको हल्का सा इसको सिलेंडर शेप में बना लेना है, और इस तरीके से हल्का हल्का सा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से साइडों से कर लेना है। अब आपको नाइफ लेना है, और जो पीछे वाला भाग होता है इसका इस्तेमाल करना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगाना है। ज़रूरी नहीं कि आप केचप लगाएं, आप इसकी जगह पर ग्रीन चटनी, मोमोज चटनी या फिर सेजवान चटनी जो चाहे वो लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम सिर्फ 3 कट लगाएंगे, जो बहुत ज़रा डीप नहीं लगाएंगे। ये देखिए,
और आप इसे इस तरीके से बना के फ्रिज में भी लगा सकते हैं, हम अपने डिब्बे में आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस तरीके से ये जो छनने वाला बर्तन आता है जिसमें इस तरीके से होल होते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, और इसको इस तरीके से फैला देंगे। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से छोड़ देगा। ये देखिए, अब इसके अंदर हम इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को लगा देंगे और इसे हम स्टीम करेंगे, वो भी बिना स्टीमर के। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको जुगाड़ बताती हूँ, जिससे आप बिना स्टीमर के भी इसे स्टीम कर पाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहें तो भगोना भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 गिलास पानी रखा है, फिर उसके बाद इसके अंदर रख दिया है स्टैंड। जब पानी हमारा अच्छे से गर्म होने लगेगा तब इसके अंदर हम इस तैयार नाश्ते को रख देंगे। ये देखिए, और अब इसको हम कवर करके 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। ख्याल ये रखना है कि इसे हमें मीडियम फ्लेम पे स्टीम करना है और बार बार खोल के देखने की गलती नहीं करनी है। तो चलिए 5 मिनट स्टीम करने के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हो चुका है इसे स्टीम होते हुए, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे एंजॉय कर सकते हैं बिना तड़का लगाए, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा तड़का, जिससे इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लुक भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसे ऐसे ही मोमो चटनी के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए तड़का लगाने की तैयारी करते हैं, इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे पैन लिया है, आप चाहे तो तावा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा साबुत वाला, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन चुटकी भर, और अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये गई हमारी हींग। अब गैस के फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब जब ये अच्छे से चटक जाएगा, एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी पिंक हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं और ना ही जूस निकाला है। टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही देसी सब्जी ली है टमाटर और प्याज, जो आपको आसानी से किचन में मिल जाती है। अब हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। ख्याल ये रहना चाहिए कि हरा धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद पैन के नीचे रख देना, जब सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए तब तक उसे डालना। थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये गई दर्दरी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम टमाटर और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, बिल्कुल भी हमें गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसको 1 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला या फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक 1 इंच की, और हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, इसको हम बाद में इसलिए डाल लें क्योंकि इसका फ्लेवर हमें स्ट्रांग चाहिए। अगर आप अदरक नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें अपना तैयार नाश्ता डाल देंगे, जो हमने इस तरीके से लिया था स्टीम करके। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू, आधा नींबू का रस इसके अंदर इस तरीके से निचोड़ कर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हम बीज को निकाल लेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे व्हाइट विनेगर या फिर सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब हमें गैस के फ्लेम को हाई कर देना है, और हाई फ्लेम पर इसके ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा टेस्टी है, और दूसरी बात हेल्दी है, और तीसरी बात बहुत ही कम तेल में तैयार हो गया है। है ना कमाल की रेसिपी, कोई भी आलू वालू का झंझट नहीं है। और आप चाहें तो इसमें बिना वेजिटेबल के भी इसे बना सकते हैं, या फिर और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से बनकर ये रेडी हो चुका है, चलिए इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। करारा सा नाश्ता देख लीजिए, इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा टेस्टी है, दूसरी बात कम तेल का, और तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है।
चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना जरा सॉफ्ट है ये, देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है। और यहाँ पे आप इसे चटनी के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। कैसे लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप ही बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और इस हेल्दी से नाश्ते को एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और डिज़ाइन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक इस मज़ेदार से स्नैक्स को ट्राई कीजिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।